Good morning, dear children. Welcome to the class. This is the second part of the chapter Federalism. And in this lecture, we are going to talk about the types of federal government. Then, whether India is a federal government or not. If yes, then we will understand that what are the provisions mentioned in our constitution which makes India a federal country. Right? So, let's move to the topic. Okay, so now look at here. The first thing you should understand that in a federal country, right, the power divided between central and state government are differ in different country, right? जो पावर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है ये हर एक कंट्री में डिफर करता है। डिफर करने का मतलब है कि किसी कंट्री में जो है स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, किसी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? या फिर एक ही कंट्री में कुछ स्टेट पावरफुल होते हैं, कुछ स्टेट कमजोर होते हैं, राइट और नॉट? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हमें टाइप्स ऑफ फेडरेशन देखना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है? अब ये दो तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, राइट, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखो, मैं दो एक एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पर देखो, पहला टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यूएसए के, राइट? जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया एक बड़ी सी कंट्री थी, राइट? इंडिया वाज अ कंट्री, ठीक है, बिग नेशन, ये एक बड़ी कंट्री थी, राइट? और इस पूरे कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया, राइट? उस समय हमने इसको 14 स्टेट्स में डिवाइड किया था, राइट? अब देखो यूएसए की बात करते हैं। यूएसए पहले एक बड़ी कंट्री नहीं थी, बल्कि यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, ठीक है, न्यू जर्सी हो, वाशिंगटन हो, राइट, ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स पहले अलग अलग थे, राइट, अलग अलग कॉलोनीज थी, राइट, ये सारे कॉलोनीज काफी ज्यादा छोटे थे, राइट? तो इन्होंने डिसीजन लिया, वी विल कम टूगेदर एंड फॉर्म अ बिग कंट्री, ठीक है, ये छोटे छोटे जो कॉलोनीज थे इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम लोग साथ में मिलेंगे और एक बड़ी कंट्री बनाएंगे ताकि हमारा जो यूनियन होगा, हमारा जो एक बड़ी कंट्री होगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। अभी हम छोटे हैं तो वी आर वीक, बट इफ वी कम टूगेदर वी विल बिकम स्ट्रांग, राइट? तो यहां पर दो तरीके मैंने बताए। एक में क्या हुआ, द फर्स्ट वन, कि जो बड़ी कंट्री है उसको डिवाइड किया गया छोटे छोटे स्टेट्स में, और दूसरी तरफ मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि पहले से ही छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, वो साथ में मिलकर एक बड़ी कंट्री को फॉर्म की, राइट? सो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, अगर मैं अभी इंडिया की बात करता हूं तो इसको हमने छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिए। आज मान लेते हैं कि आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि कर्नाटका गवर्नमेंट या फिर गुजरात गवर्नमेंट, दे वॉन्टेड टू सीसीड फ्रॉम इंडिया, वो चाहती है कि इंडिया से बाहर निकल जाए हम और एक नया कंट्री फॉर्म करें गुजरात नाम का। इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि इंडिया पहले एक बड़ी कंट्री थी, उसको डिवाइड किया गया क्यों, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। तो क्या ये गुजरात वाला जो एरिया है, क्या इसको ये पावर है कि ये बाहर निकल जाए इंडियन यूनियन से? नो, बट थिंक ऑफ अबाउट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अगर ये कभी चाह लें बाहर निकलने के लिए, क्या ये निकल सकते हैं? यस, ये बाहर आ सकते हैं, राइट और नॉट? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सभी स्टेट्स के पास पावर इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? ये सभी लोग जब एक साथ मिले होंगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि ये स्टेट थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, ये स्टेट थोड़ा वीकर होगा, ये स्टेट थोड़ा और पावरफुल होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये सभी लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, ये सभी लोग आपस में मिले हैं, तो सभी के पास इक्वल पावर्स, अंडरस्टूड? ठीक है, सभी के पास इक्वल पावर्स। तो ये जो इंडिया का एग्जांपल मैंने दिया, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको क्या कहा जाता है? होल्डिंग टुगेदर। और इसको क्या कहा जाता है? कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये सभी छोटे छोटे स्टेट्स आए हैं एक साथ मिलके बड़ा यूनियन फॉर्म किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कमिंग टुगेदर। और यहां पर ये लोग एक साथ रह रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? होल्डिंग टुगेदर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। द फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर किसको कहते हैं? व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्यों आते हैं वो लोग? टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी एंड इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। वो लोग क्या चाहते हैं? कि हमारा सोवरेनिटी बना रहे, हमारा जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाए, हमारा जो आइडेंटिटी है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम्पल है अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का, राइट, ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, राइट। सो लुक एट हियर, दिस इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड देयर आर 50 स्टार्स रिप्रेजेंटेटिंग ईच स्टेट्स। सो इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देयर आर 50 स्टेट्स, राइट। और यहाँ पर फ्लैग में भी कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टार्स हैं, राइट। दूसरी तरफ हमारा जो है कंट्री है होल्डिंग टुगेदर इंडिया, राइट। व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जब एक बड़ी कंट्री अपना पावर डिवाइड करती है स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, इसको क्या कहते हैं? होल्डिंग टुगेदर कहते हैं, राइट। एंड इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, राइट। एंड जो स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं, उनके पास अनइक्वल पावर्स होती है। अनइक्वल पावर्स मतलब कुछ स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ स्टेट्स कम पावरफुल होते हैं। टेक एन एग्जांपल, जब इंडिया बना था, जब स्टेट्स बनाए गए थे, तो उस समय जेएनके के पास ज्यादा पावर था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के पास ज्यादा पावर था। कैन यू से? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, राइट। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिसको कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, राइट। उनको ज्यादा टैक्सेस जाते हैं, उनको ज्यादा पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहां पर स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स होते हैं, कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होता है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर होता है। लेकिन कमिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता, जस्ट मैंने डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स कौन कौन से है? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसके पहले यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, राइट। क्या बातें कर रहे हैं? आपको ये खुद से पढ़ना है, ठीक है। एंड यू हैव टू गिव योर आइडिया कि आपने फेडरलिज्म से क्या समझा, आप इस कन्वर्सेशन में और क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? हमारी जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है, यस और नो? माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू से इंडिया एज अ फेडरल कंट्री? तो हम क्या करेंगे, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको मैच करेंगे विद द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यस और नो? अगर मुझे ये जानना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सारे फीचर्स को मैच करेंगे, फेडरलिज्म के फीचर्स से मैच करेंगे इंडिया के फीचर्स को, राइट। तो बताओ पहला फीचर क्या है फेडरल कंट्री के, फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या है? सिंपल सा है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या इंडिया में टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? यस है। क्या कभी झगड़ा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हो जाती, तो क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसके बीच अंपायर की तरह एक्ट करती है? यस करती है। क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड है? क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलग तरीके, स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलग तरीके हैं? यस है। क्या उनके पास सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है? यस है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, और सॉरी लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, राइट। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पावर डिसाइडेड कैसे होता है, कौन सा पावर किसके पास होगा, ये कैसे डिसाइडेड होता है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
राइट, जो लॉ बनाने का अधिकार है, ठीक है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ वो लॉ बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी है, राइट और नॉट? पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में है, राइट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हर एक स्टेट के कैपिटल सिटी में होता है, ठीक है, वहां पर स्टेट के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉ दिल्ली में बनना है, कौन सा लॉ स्टेट गवर्नमेंट के कैपिटल में बनना, दैट मीन स्टेट के कैपिटल में बनना है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट बनाए गए, ठीक है। इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा। तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। नंबर वन सब्जेक्ट क्या है? टेक एन एग्जांपल, रेलवे। इस लिस्ट में दूसरा सब्जेक्ट डिफेंस। इस लिस्ट में तीसरा सब्जेक्ट, टेक एन एग्जांपल, बैंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन चीज, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो इन दीज सब्जेक्ट, ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है क्या? इट इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट अगर बना रही है तो ये जो भी इसमें सब्जेक्ट्स होंगे वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। जैसे बैंकिंग पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट और नॉट? ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं नेशनल के लिए, नेशन के लिए, वो इस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में। और इस लिस्ट पर कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। कमिंग टू द स्टेट लिस्ट, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में लॉ बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, सॉरी, इट इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो इन सारी चीजों पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सभी के ऊपर कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सभी चीजों के ऊपर दोनों गवर्नमेंट, दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, टेक एन एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया एजुकेशन के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्लास 8th में भी बोर्ड एग्जाम लेंगे, ठीक है, क्लास 8th में बोर्ड एग्जाम लेंगे, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम क्लास 8th में बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ? दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक बोल रहा है कि लेंगे एग्जाम, एक बोल रहा है कि नहीं लेंगे एग्जाम। तो ऐसे कंडीशन में जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो लागू होगा, राइट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, अगर
इस पर लॉ बनाने में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो ऐसे सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉ पूरे कंट्री में मान्य होगा. अंडरस्टूड? सो यहां पर है, इट इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट यूनियन एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ. ठीक है, दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, दोनों के फायदे का बात होता है इसमें, राइट. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, आपको ये ऐड करना है एक लाइन. ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. सो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं डेफिनेशन. इट इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. ठीक है, ये होता है कॉन्करेंट लिस्ट. अब हमारा एक, ये तो हो गया तीन लिस्ट कि कौन कौन लॉ बनाएगा. अब सोचो कि जिस समय हमें इंडिपेंडेंस मिला, जब हम आजाद हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, उस समय कुछ ऐसी चीजें थी जो कि उस समय नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, उस समय कंप्यूटर नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, राइट और नॉट. तो क्या आपको लगता है कि ये कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह के साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगे? क्या ये सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि उस जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये सारी चीजें थी ही नहीं. तो ये बाद में आया है, अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग 1990s 2000, उस समय ये चीजें आई हैं, कंप्यूटर आया है, इंटरनेट आया है, साइबर सिक्योरिटी आया है. तो ये जो सब्जेक्ट है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लिस्ट में होगा? डू यू थिंक कि क्या ये यूनियन लिस्ट में होगा, क्या स्टेट लिस्ट में होगा, क्या कॉन्करेंट लिस्ट में होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये सारे लिस्ट बने थे उस समय ये चीज थी ही नहीं. तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए, वो सारे सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. और ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है. ठीक है, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द थ्री लिस्ट. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, राइट. तो इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला जाता है, राइट. और इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का, राइट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ कि हमने जो तीन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. अभी यहाँ पर तीन चार एग्जाम्पल दिए गए हैं. ठीक है, यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में आता है. पहला एग्जाम्पल है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड की है कि पोखरण, जो कि राजस्थान में है, वहां पर हम एक न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, राइट. तो क्वेश्चन है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को रोक सकती है न्यूक्लियर टेस्ट करने से? आपको आंसर करना है. ठीक है, सो लेट मी टेल यू दैट स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कैन नॉट स्टॉप द यूनियन गवर्नमेंट टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट. व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट डिफेंस कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट. ठीक है, डिफेंस सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आता है, और अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट कर सकती है. ठीक है, इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकता. उसी तरह यहाँ पर जो है आपको दो और एग्जाम्पल दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास.